बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। हिंगना में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुरोध पर भारत बंद के समर्थन में सोमवार 27 सितंबर 2021 को हिंगना तालुका में केंद्र के तीन काले कानून के खिलाफ किसान आंदोलन किया गया। इस दौरान तीन काले कानून रद्द करने हेतु हिंगना के तहसीलदार के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों के इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का आंदोलन किया है। बंद के समर्थन में भूमि जनशक्ति परिवर्तन, शेतकारी शेत मजदूर संगठन, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन, राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी, अखिल भारतीय छात्र संगठन, अखिल भारतीय जनतांत्रिक युवा संगठन, अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन और अन्य संगठन द्वारा भारत बंद आंदोलन किया गया। बोल इंडिया न्यूज के लिए हिंगना से अजीत कुमार की रिपोर्ट। जनशक्ति परिवर्तन शेतकरी शेत मजदूर संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हम ये चाहते हैं क्या हमारे शेती वाले काश्तकार लोग दिल्ली में एक साल हो गए अभी बैठे है वहाँ भी, लेकिन उनका कुछ भी ये नहीं लगा। वो तीन कृषि काले कायदे रद्दान में आदमी ऐसे एक दाना बोते है और 100 दाने उगाते है और तुमको पालते है। हम किसान है, किसान है तो दुनिया है, किसान नहीं तो अनाज नहीं उगा गए तो दुनिया क्या खाएंगे? क्या कंपनी का माल खाएंगे? क्या लोहा लोकन खाएंगे? आज जो तुम्हें निवेदन दिल का विषय होता, को संदर्भात निवेदन दिल? आज आम्मी हिंदी सका शेतकरी जो बैठे है दिल्ली में, वो निवेदन अभी काले कायदे रद्द करने के वास्ते शेतकरी के वो होना चाहिए। और भारत बंद, जो भारत बंद का आह्वान था उसने आह्वान दिया, वो उनका हमारा उसको समर्थन है। आशीष लोखंडे, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से। हम लोग पिछले एक साल से संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वह दिल्ली बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में हम लोग, हमारे प्रतिनिधि लोग हैं और पूरे देश भर में आज हम लोग बंद का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने जो पिछले एक साल में जब सब लोग घर में थे, सभी तरफ कोरोना के कारण, पैंडामिक के कारण बंद था, ऐसे बंद में बिना किसी लोगों का अभिप्राय लिए, सब यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद है, लोग घर में हैं, तब वो नए शिक्षा नीति 2020 लागू कर रहे हैं। बिजली जो नया अधिनियम है, बिजली संशोधन कानून 2020 को लागू किए हैं, वैसे ही तरह ये किसान का काले कानून तीन अधिनियम इन्होंने लागू किया है। उसमें पहला कानून है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। इसमें क्या कहा गया है कि जो पहले सरकारी APMC होती थी, वो APMC अभी वो निजी हाथों में, के जितने भी शेतकरी संगठन के कार्यकर्ते हैं उनको हमारा समर्थन है तह दिल से। और वो काले कानून रद्द होना चाहिए, और वो काले कानून रद्द होना चाहिए, और वो रद्द नहीं हुए तो हम उनके समर्थन में यहाँ पर विविध प्रकार की जो घोषणा, जो खोटी घोषणा देते हैं केंद्र सरकार, उनके विरोध में मैं आमरण उपोषण पर बैठेंगे, ऐसा मैं घोषित करता हूँ। ओके, ठीक।